नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर अर्जेंट में बात करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम और मैटिक को लेकर, क्योंकि बिटकॉइन में कुछ चीज़ें बदली है। और ध्यान रहे कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर बार की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके साथ में कुछ ज़बरदस्त ट्रेड शेयर करने वाला हूँ, जिनके अंदर प्रॉफिट होने की संभावना 90% तक होती है। उसी के साथ में लवली इनू कॉइन को लेकर भी बात करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिटकॉइन में पहले वीकली कैंडल को लेकर बात करते हैं। मैंने आपको मंडे को इस कैंडल के बारे में बताया था, और उस टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी लगभग $23,400 के आसपास, और उस टाइम पर यह कैंडल ग्रीन भी देखने को मिल रही थी। मैंने आपको कहा था कि यह कैंडल हमारे को रेड देखने को मिल सकती है, और बिटकॉइन की प्राइस हमारे को $22,600 के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ 200 MA के आसपास सपोर्ट बनाया है, तो इससे नीचे जाकर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कुछ चीजें बदली है, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा डंप आ सकता है। यह डंप क्यों आ सकता है, यह मैं आपको बिटकॉइन के वन डे के टाइम फ्रेम पर बताना चाहूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीकली कैंडल का क्या बिहेव हो सकता है वो जानिए। जब यहां पर यह कैंडल देखने को मिली थी, तो यह कैंडल यहां पर क्लोज हुई थी, लेकिन यहां पर विक देखने को मिली थी इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यहां पर विक देखने को मिली थी इस ट्रेंड लाइन के आसपास इस कैंडल की, और यहां पर विक देखने को मिली थी इस ट्रेंड लाइन के आसपास इस कैंडल के बाद में। मैंने आपको इस कैंडल के बारे में बताया था कि इस कैंडल की जो विक है वो हमारे को इस लाइन के आसपास देखने को मिल सकती है, और फाइनली यह जो कैंडल है वो हमारे को ग्रीन देखने को मिल सकती है, और वैसा ही हुआ। पर देखिए, अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर डंप आता है, तो इस कैंडल का बिहेव कुछ इस तरह से हो सकता है कि इस कैंडल की जो विक है वो हमारे को $21,200 से लेकर $20,000 के बीच के अंदर देखने को मिल सकती है, और फाइनली इसी जोन से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वापस से पंप आना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि यह कैंडल धीरे-धीरे वापस से हमारे को ग्रीन होते हुए देखने को मिलेगी, और फ्रेंड्स फाइनली इस वीक की जो कैंडल है वो हमारे को $24,300 से ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप आने का सबसे बड़ा रीजन है वन डे के टाइम फ्रेम पर जो बिटकॉइन ने आज क्लोजिंग दी है, वो इस 50 EMA से नीचे क्लोजिंग दी है, और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको 50 EMA के बारे में सारी बात बता दी है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहली बात, यहां पर आज है वेनेसडे, फिर यहां पर कल होगा थर्सडे, फिर यहां पर परसों के दिन फ्राइडे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आज जो कैंडल देखने को मिल रही है वो ये वाली है, और यह कैंडल यदि कल क्लोज होती है $22,600 से ऊपर, तो फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव बात है। उसी के साथ में जो थर्सडे को यहां पर हमारे को कैंडल देखने को मिलेगी, और वो कैंडल जो हमारे को फ्राइडे को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगी, यदि वो कैंडल भी इसी लेवल से ऊपर क्लोज होती है, तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे $22,600 से ही। और अगर मान लीजिए वेनेसडे और थर्सडे की जो कैंडल है उनमें से कोई भी एक कैंडल $22,600 से नीचे क्लोज होती है, तो ऐसे में डेफिनेट बिटकॉइन की प्राइस को हम इस जोन के अंदर देख सकते हैं, और फ्रेंड्स यहां पर $21,200 के आसपास सी वन डे के टाइम फ्रेम पर बैठा हुआ है 50 MA, जो कि एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और वहीं यहां पर बहुत सारे विक्स भी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यदि यहां पर सपोर्ट बनाएगा तो यहां पर ट्रेड लेंगे, और अगर यहां पर आएगा तो यहां पर ट्रेड लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे, तो यहां पर बार चार्ट पैटर्न ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर शॉर्ट की पोजीशन लेकर एक बार 8% का प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने किया है, आपको भी अपडेट दिया था। और उसी के साथ फ्रेंड्स, एक बार आपने यहां से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके 4% का प्रॉफिट बुक किया होगा, उसी के साथ में इसी जोन से आप देखते हैं बार बार इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो फ्रेंड्स आपने 2-3 बार बिटकॉइन के अंदर ट्रेड ली होगी और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। इसीलिए कहता हूं कि वीडियोस को सीरियस होकर देखें, और फ्रेंड्स जब तक बिटकॉइन इस जोन को होल्ड करेगा, हम यहां पर इसके अंदर फिर से ट्रेड लेंगे लॉन्ग की, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यह बिटकॉइन की पूरी कहानी थी। बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम की प्रेजेंट टाइम पर प्राइस चल रही है $1,620 के आसपास, और मैंने आपको इथेरियम के अंदर $1,550 के आसपास ट्रेड के लिए बोला था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस कैंडल के अंदर एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन के अकॉर्डिंग आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर यदि इथेरियम $1,600 के ऊपर ही ट्रेड करता है, तो ऐसे में $1,600 से ही इथेरियम के अंदर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। और अगर मान लीजिए
लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर दो दिन के अंदर ही इथेरियम की प्राइस $1600 से नीचे आ जाती है या वन डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ऐसे में इथेरियम की प्राइस नीचे आएगी। और नीचे आने के ऊपर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहां पर इस जोन का वेट करना है, क्योंकि यहां पर इथेरियम की प्राइस जब नीचे आएगी तो फ्रेंड्स इस 50 EMA को रिटेस्ट करने के लिए आएगी। लेकिन जो विक देखने को मिलेगी वो हमारे को $1377 से लेकर $1440 के बीच में देखने को मिलेगी, और इसी विक के अंदर हम यहां पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। तो यह इथेरियम का ट्रेड था। बात करें मैटिक कॉइन की, तो मैटिक कॉइन के लिए मैंने आपको एक बात बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम पर मैटिक सपोर्ट बना रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो ऐसे में मैटिक की प्राइस आपको डेफिनेट $0.8503 के आसपास देखने को मिलेगी, और यहां से आपको लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। प्रेजेंट टाइम पर मैटिक की प्राइस चल रही है 0.8841 के आसपास, और आज सवेरे ही वापस से मैटिक की प्राइस इसी के आसपास देखने को मिली थी और मैंने ट्रेड ली थी, और मैं उस ट्रेड को आपको टेलीग्राम पर शेयर भी करूंगा, और मैंने आपको दो दिन पहले इसके बारे में भी बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मैटिक के अंदर प्रॉफिट बुक किया होगा, बार बार इस लेवल के आसपास देखने को मिली है और बार बार आपने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आने वाले दो दिनों के लिए जो मैंने आपको बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर बताया है वही आपको यहां पर भी याद रखना है, और वो यह है कि अगर दो दिन के लिए इस लेवल को होल्ड कर लेता है 0.8503 के आसपास के लेवल को, तो ऐसे में मैटिक के अंदर हम यहां से ही लॉन्ग के पोजीशन ओपन करेंगे। अगर यहां पर कोई भी कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे देती है दो दिन के अंदर, तो ऐसे में मैटिक की प्राइस भी हमारे को इस 50 EMA को रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकती है, और फ्रेंड्स इस जोन के अंदर हम ट्रेड लेंगे जो आप लेवल्स देखते हैं 0.75 से लेकर 0.78 का लेवल है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यह मैटिक का अपडेट था, और आपको किसी प्रकार का फोमो नहीं करना है। आपने यहां पर शॉर्ट की पोजीशन भी ली होगी, मैंने आपको इथेरियम के अंदर भी बताया था कि इथेरियम की प्राइस नीचे आएगी, यानी कि आपने वहां पर शॉर्ट की पोजीशन भी ली होगी। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी, यानी कि वहां पर आपने शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन की होगी। फ्रेंड्स अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, इसलिए आपको वीडियोस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लवली इनू फाइनेंस कॉइन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार पूछ रहे हैं कि क्या यह नेक्स्ट शिबा इनू हो सकता है, तो आइए इसकी हकीकत जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर इसके अंदर 2% का पंप देखने को मिल रहा है, और अगर मैं बात करूं इसके ऑल टाइम हाई को लेकर, तो इसका ऑल टाइम हाई 1 अगस्त 2022 को यानी कि दो दिन पहले ही लगाया गया है, और उसके ऑल टाइम हाई से इसकी प्राइस चल रही है 32% नीचे, यानी कि जिसने भी इसको बढ़ते हुए देखकर इसके ऑल टाइम हाई पर खरीदा होगा वो तो 32% लॉस के अंदर डेफिनेट होगा। अब उसका लॉस रिकवर होगा या नहीं यह आगे जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे के अंदर 2% का पंप, पिछले 7 दिन के अंदर 200% का पंप, पिछले 14 दिन के अंदर 1000% का पंप, और पिछले 30 दिनों के अंदर इसने लगभग 1600% का प्रॉफिट दिया है। अब यह प्रॉफिट किनको दिया है इस बात को समझिए फ्रेंड्स। यहां पर लवली इनू फाइनेंस की अचानक से मार्केट के अंदर बूम कहां से आई, अचानक से इतनी न्यूज कहां से आई, तो इसका एक ही जवाब है कि लवली इनू फाइनेंस की एक्सचेंज पर लिस्टिंग को लेकर बहुत सारी न्यूज आई। अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बता देना चाहता हूं जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। फ्रेंड्स अगर आप सुन रहे हैं वो भी ग्लोबल इस लिस्ट कर रहा है, तो फ्रेंड्स वहां पर आप क्या समझते हैं कि यस कॉइन की चारों तरफ बहुत हाइप बनी हुई है इसलिए वो भी ग्लोबली भी इसको खुद यहां पर लिस्ट करना चाहता है? नहीं मेरे भाई, यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर एक्सचेंज खुद चाहता है कि उनके पास में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा आए, जिसके चलते फ्रेंड्स वहां पर इसकी लिस्टिंग करवाई जाती है। जब लिस्टिंग करवाई जाती है तो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा वेल्स बैठे हुए होते हैं। वो वेल्स क्या करते हैं, इसको अचानक से बहुत बड़े अमाउंट के साथ में खरीदते हैं। अब यहां पर ये अचानक से बहुत अच्छा खासा पंप दिखाता है, तब पंप दिखा रहा होता है तब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह और ऊपर जाएगा, क्यों ना मैं भी इसको खरीद लूं। इसके चलते फिर और अच्छा खासा थोड़ा सा पंप आता है, लेकिन आखिरकार में जाकर वो लोग इसके अंदर टॉप पर फंस जाते हैं जो फोमो करते हैं। फ्रेंड्स आपको मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी एक्सचेंज है वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी वेल है, और इन्हीं वेल्स के चलते यहां पर यह सारी चीजें देखने को मिलती है। हमारे को यहां पर फोमो नहीं करना होता है, हमारे को किसी भी मेम कॉइन को या किसी भी कॉइन को उचित समय पर खरीदना होता है। लेकिन क्या अभी आपको फोमो में चलकर इसको बाय करना चाहिए? नहीं मेरे भाई। अब फ्रेंड्स अगर इसके चार्ट को देखें 12 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए यहां से लवली इनू के अंदर एक तगड़ा बूम आना स्टार्ट हुआ है, और यहां
जहां तक इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो अब यहां पर इसकी प्राइस वापस से नीचे आई हुई है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस बहुत नीचे आ गई है, क्या मैं इसको यहां पर पकड़ लूं? नहीं मेरे भाई, अभी भी उचित समय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जितना पंप हुआ है उतना ही इसके अंदर डंप भी हो सकता है। यह मीम कॉइन है, भले ही हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वो गलत हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स रिस्क बहुत ज्यादा है। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल है 6.0400 का। इस लेवल तक लवली इनो की प्राइस वापस से देखने को मिल सकती है, और फ्रेंड्स इस जोन के अंदर भी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर नीचे का लेवल है 300 का। तो फ्रेंड्स ये जो जोन है इसके अंदर आप थोड़ा सा लवली इनो को खरीद सकते हैं और फर्दर यहां से ऊपर जा सकती है जब वापस से किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग की न्यूज आएगी। ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया ही है कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वेल्थ वाली न्यूज है। फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि उन तक क्रिप्टो मार्केट की सही नॉलेज पहुंच सके, और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।